बिल्कुल PS2 का मजा है भाई। ये स्मैक, ये पड़ा लात, मार 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 मार। तो यहाँ WD पेन को किस तरह से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ वो बताने वाला हूँ। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास एक गेम पैड है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने लैपटॉप में WWE पेन खेलना है, जो कि बहुत ही लोग जिसके लिए पागल हैं, WWE पेन को किस तरह से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ वो बताने वाला हूँ। तो आप भी अगर अपने PC में या लैपटॉप में WWE पेन खेलना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले दो फाइल होना चाहिए। पहला एमुलेटर, ये एमुलेटर जो है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब ये है कि PS2 के गेम को खेलने के लिए जो चाहिए, पहले तो ये एमुलेटर होता है, तो ये एमुलेटर को हम इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद WWE का फाइल, तो एक एक करके मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, चिंता ना करें, इस गेम पैड के थ्रू खेलना है ना। सो यहाँ पर एमुलेटर है, तो एमुलेटर क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करना है मुझे और एक्सट्रैक्ट हियर कर दीजिए। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, यहाँ आपके सामने एक फाइल खुल जाएगा। अब ये तो WWE का फाइल है, हम चले जाते हैं एमुलेटर वाले फाइल में। यहाँ पर देख रहे होंगे ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है राइट साइड में, यहाँ पर इस फाइल को सिंपली राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर सेलेक्ट करना है और यस कर देना है। जैसे यस करेंगे आपके सामने देख सकते हैं ये सारी चीज़ें टिक हैं, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कीजिए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर सिंपली क्लोज कर देना है। आपके डेस्कटॉप वाले पेज में यहाँ पर एक देख सकते हैं ये आइकन बना हुआ है PC2 करके, तो यहाँ पर इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे सिंपली चले जाना है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे। चलिए चले जाते हैं, ये रन एस एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट किया हमने, फिर यस पे सेलेक्ट कीजिए, ये यस पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ से तो यूज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग लिखा हुआ है, इसको अनटिक कर दीजिएंगे और यहाँ पर जाना है आपको ब्राउज़ पे। ब्राउज़ पे जाएंगे तो आपको डेस्कटॉप में चले जाना है या उस फाइल में जाना है जहाँ पर आपका एमुलेटर था। ये देख सकते हैं WWE पेन लिखा है, तो आप भी यहाँ पर रखेंगे ये पेन में, आपको चले जाना एमुलेटर वाले फोल्डर में और यहाँ पर लिखा होगा PS2 BIOS, सेलेक्ट कीजिए, ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं, देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है USA सेलेक्ट करना है, फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये पेज खुल गया आपके सामने। अब आता है आपका गेम पैड का टाइम, तो अब क्या करना है आपको ना, अब आपको जो करना है वो है इस गेम पैड को यहाँ पर प्लग इन करना है और सारे बटन को इनेबल करना है। सो ये कैसे करते, यहाँ पर सिंपली आपको अपने गेम पैड को जो USB कनेक्टर है उसे लैपटॉप में लगा दीजिए, ये लैपटॉप मैंने लगा दिया, और यहाँ पर एनालॉग बटन दिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दीजिए तो आपका गेम पैड चालू हो जाएगा। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आप चले जाइए यहाँ पर ऊपर सेटिंग में, मैं आपको बता देता हूँ ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको अगला क्या करना है। ये हम चले जाएंगे, ये जूम किया मैंने, ये देख सकते हैं ये गेम पैड है। अब देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले जाना है आपको सिस्टम में ना, सिस्टम में हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले इसे यहाँ पर कॉन्फ़िग करना पड़ेगा गेम पैड को। तो यहाँ पर कॉन्फ़िग में जाने के बाद हमें करना है यहाँ पर कंट्रोलर पैड, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लगइन सेटिंग, तो यहाँ पर प्लगइन सेटिंग में चले जाइए। प्लगइन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सबसे तो नहीं हो सकते, थर्ड लाइन में है डायरेक्ट इनपुट, क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर है डायरेक्ट इनपुट, इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इसके राइट साइड में देख सकते हैं आप यहाँ लिखा हुआ है पैड वन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सारे सेटिंग को एक एक करके इनेबल करते जाना है। कैसे करते हैं वही बता दें, ये गेम पैड सामने है आपके, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देते रहना है मेरे भाई। तो यहाँ पर कैसे करते हैं ना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक एक करके करते हैं ये ऊपर के बटन से ना, तो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके गेम पैड में स्क्वायर रहता है वो कौन सा रहता है, ये चार नंबर का रहता है, तो चार नंबर को क्लिक कर दीजिए। या आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है कि कौन सा बटन क्या है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो इसमें से स्क्वायर कौन सा है, तो इसका स्क्वायर कौन सा जानने के लिए आपको करना है, मैंने एक इमेज डाउनलोड किया मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें क्लिक कर लेंगे और देखेंगे स्क्वायर कौन सा है। तो यहाँ पर स्क्वायर कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर है एक्स जो है वो स्क्वायर है, और यहाँ नंबर के साथ दिखाएँ तो फ़ोन नंबर हमारा
तो ये फोन नंबर है, ये स्क्वायर है। तो चलिए वहाँ चले जाते हैं अपन। जी फिर से मैं गया, इसको मिनिमाइज मार देता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर पे क्लिक किया था मैंने, तो स्क्वायर कौन सा है, मेरा फ़ोन नंबर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, जैसे यहाँ पर ये दबाया मैंने, यहाँ पर स्क्वायर हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर जो ट्राइंगल है हमारा वो वन नंबर है, वन पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया ना। उसके बाद दिखा है यहाँ पर क्रॉस, तो क्रॉस यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और क्रॉस हमारा है यहाँ पर तीन नंबर, देखिए फिर से यहाँ एक सेलेक्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये है सर्कल, सर्कल पर क्लिक करेंगे, सर्कल हमारा है दो नंबर। चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर गूगल पे चले जाता हूँ मैं, फिर से दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये सर्कल जो है दो नंबर ही था, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, कन्फर्म हो गया। इसी तरह बाकी की को भी चलिए सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट को क्लिक कीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कौन सा है, ये है, हम क्लिक कर दिया हमने ना। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं अगला लिखा हुआ है क्या, स्टार्ट, स्टार्ट पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर भी स्टार्ट को क्लिक कर दिया हमने ना। यहाँ पर एनालॉग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसे कुछ नहीं करना है, एनालॉग और माउस दोनों को नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिर L1, तो L1 सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर L1 देख सकते हैं क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। L2 को सेलेक्ट किए, नीचे L2 हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है अप, ये हमारा अप है, ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट पे क्लिक किए, लेफ्ट हो गया। डाउन पे सेलेक्ट किया, ये डाउन को हमने क्लिक कर दिया। राइट, ये राइट। फिर R1 की बारी, R1 को दबाया, सेम R1। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्लिक करके। यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट एनालॉग, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये लेफ्ट एनालॉग हमारा ये है ना, तो इसको जब अप लिखा हुआ है तो एनालॉग को अपने को ऊपर सेट करना है, जब ये एनालॉग लेफ्ट लिखा हुआ है तो इसे लेफ्ट सेट करेंगे। इसी तरह इसे ये राइट, ये डाउन हो गया। इसी तरह ये राइट साइड का एनालॉग है, अप कीजिए, ये अप क्या देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये लेफ्ट साइड में सेटिंग बन, ये यहाँ पर से फिर राइट, ये राइट हो गया, फिर यहाँ पर से डाउन, ये डाउन हो गया। जैसे ये सेलेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ पर सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है और ओके दबा देना है। ये ओके सेलेक्ट कर दिया हमने ना। अब आपको क्या करना है गेम ओपन करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा होगा सिस्टम, और यहाँ पर लिखा होगा आपका DVD, आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए ना DVD लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपने जहाँ पर अपना ISO फाइल रखा है ब्राउज करके वहाँ चले जाइए, तो मेरा यहाँ WD का जो फाइल है वो यहाँ पर है। ये फाइल कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मैं आपका ज़रूर बता दूंगा। सो ये हो गया, या आपके पास फाइल डाउनलोडेड से ज़्यादा बढ़िया है, ये कॉपी किया हमने। उसके बाद यहाँ सिस्टम में जाना है, बूट फास्ट पे सेलेक्ट कर देंगे। सो अब हमारा गेम जो है चालू हो रहा है, देखते हैं चालू होता है या नहीं होता है। दोस्तों अगर आपके में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कहाँ से ये फाइल डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन तो पूरा मैंने बता दिया, फाइल कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं अपने साइट पर जाके आपको लिंक दे दूँगा। सो वीडियो को आगे देखते रहिए, देखते हैं गेम किस तरह से प्ले होता है। तो यहाँ पर हमारा गेम देख सकते हैं आप, ये चालू जो है हो रहा है। इसको मैं डबल क्लिक करके चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने इसे बड़ा किया, और अब देखते हैं इसे प्ले करके गेम चल रहा है या सिर्फ ये गेम पैड का जो सेटिंग की वो बेकार था ना। सो यहाँ पर हमारा गेम पैड भी इनेबल है, जैसे कि लाइट चल रहा है देख सकते हैं आप। वेट करते हैं गेम को चालू होने देते हैं, और देखिए मैजिक कि लैपटॉप में किस तरह से चलता है ये गेम। तो वेट करते हैं चालू होने का। एंड दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे गेम का ऐसे ही वीडियो आने वाला है सो जो कि आपको मज़ा आने वाला है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपको बता दूँ यहाँ पर आपको एक और डाउट आएगा कि यहाँ पर इसके जो आपका डिस्प्ले साइज है ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ एमुलेटर वाली सेटिंग में। यहाँ पर जाएंगे आप, लिखा होगा लेकिन आपको बताता हूँ, कॉन्फ़िग में, कॉन्फ़िग में जाने के बाद वीडियो, वीडियो में जाने के बाद विंडोज सेटिंग, विंडोज सेटिंग में गए और यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्सपेक्ट रेशो ही है, यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशो में जाएंगे और यहाँ पर फिट टू विंडोज स्क्रीन करके अप्लाई कर देंगे। ये हमने अप्लाई किया, ओके किया,
और ये जो डेमो मोड है, स्टार्ट करते हैं और अब हमारे गेम को चालू करते हैं ना। ये स्टार्ट किया मैंने, ये देख सकते हैं हमारा जो गेम पैड है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ये फर्स्ट मैच सिंगल मैच, उसके बाद नो मैनेजर वन प्लेयर लोडिंग बता रहा है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ किसी भी एक प्लेयर को। देख सकते हैं हमारा गेम पैड प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पर मैं लेता हूँ शॉन माइकल को, मैच खुल कर देता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर ब्रॉक से पंगा लेना बहुत लफड़ा है, फिर भी ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। स्मैकडाउन एरिना ये प्ले किया मैंने, और जल्दी से चालू हो जाए भाई, ऐसा ना लगे फिर आप लोगों की मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। तो ये सामने गेम पैड देख सकते हैं, आपके सामने लैपटॉप है जो कि i5 फोर जनरेशन में विंडोज 7 में चल रहा है। इसके लिए विंडो 10 भी ज़रूरी है, विंडो 7 में भी इजीली चल सकता है। ये आ गए हमारे ब्रॉक भाई, तो चलिए अब गेम प्ले करके देखते हैं ब्रॉक हमारी बजाता है कि ब्रॉक की हम बजाते हैं ना। तो ये हो गया, चालू हो गया मेरे भाई, कहा कर पा रहा है ना। ये पड़ा लात, इसको फिर उठाता हूँ। ये देख सकते हैं ना, बिल्कुल PS2 का मज़ा है भाई। ये स्मैक के लिए रेडी हो गया। चल 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 मार 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 मार। तो यहाँ पर मेरा दूसरा मैच देख सकते हैं जो कि मैंने हैवी इंसेक्ट सेलेक्ट किया है। तो अब मैं जाता हूँ भाई एक बार, अरे भाई गेम हो या जो भी हो, ब्रॉक से पंगा ही लफड़ा लगता है। एक काम करता हूँ इसकी, अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, बेइज्जती ना करा। ये देखें भाई, ख्याल से ब्रॉक से ना ही लगो तो ज़्यादा बढ़िया है। ये देखें उसमें करना क्या है मुझे तो वही पता नहीं। देखो तो भाई PS2 का मज़ा अगर आपको लैपटॉप में लेना है तो पेन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए और वीडियो को प्रॉपर देख लीजिए ना, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ा आपको किसी में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एंड किसी प्रकार का डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।